जिसकी प्रक्रिया नवरात्र से उन्होंने कहा था कि आपको देखने को मिल जाएगी। आज अमावस्या है और कहते हैं अमावस की काली रात, तो अमावस्या की काली रात बीतेगी और कल से शारदीय नवरात्र शुरू होंगे और शारदीय नवरात्र से हम लोगों के लिए अच्छे दिन आएंगे, यह हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। माँ दुर्गे हम सबकी इच्छाओं को पूर्ण करें, हम सबके मान सम्मान को बचाएं और जितने भी साथी हमारे जुड़े हैं आप सबकी जिम्मेदारी है कि सूचना को एक एक शिक्षा में साथी तक जरूर पहुंचाएं। अभी भी हमारी यह सूचनाएं आम शिक्षा में साथी तक नहीं पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से वह परेशान हैं मानसिक रूप से कि उनको सही सूचना नहीं मिलती है। बहुत सारे लोगों के मैसेज हमारे पास आते हैं कि सर हमको किसी ग्रुप में जोड़ लीजिए, जबकि वास्तविकता यह है कि मैं किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन नहीं बनता और ना ही किसी ग्रुप को खुद चलाता हूँ। संगठनात्मक ग्रुप हैं उनमें मैं जुड़ा हूँ और जो भी सूचना होती है उसमें पहुँचा दी जाती है। तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि एक एक शिक्षा मित्र साथी को यह सूचना पहुँचाएँ और सभी लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें, जिससे कोई भी साथी हमारा गलत तरीके से कोई गलत सूचना को अंगीकार ना करके कोई गलत कदम ना उठाए। एक आगरा के दिव्यांग शिक्षा मित्र हैं, उनका भदौरिया जी का बहुत बार फ़ोन आया, उनकी बहुत बार बात भी हुई लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। मैं आगरा जनपद के पदाधिकारियों से इस चैनल के माध्यम से आग्रह करूँगा कि उनका समस्या का समाधान किसी तरह से निकालें। उनका पारिवारिक समस्या है, कुछ लोग उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, वह विकलांग हैं और वह लखनऊ आना चाह रहे थे। मैंने उनको मना किया कि आप लखनऊ मत आइए, आगरा में ही आपकी व्यवस्था संगठन के पदाधिकारी करेंगे। हमने वहाँ जिला अध्यक्ष से संपर्क करने का प्रयास किया, अभी बात नहीं हो पाई है, लेकिन और भी हमारे पदाधिकारी वहाँ पर हैं, वह कृपया उनका तब तक साथ देने का काम करें। एक एक शिक्षा में साथी हमारे लिए जरूरी है, एक एक शिक्षा में साथी हमारे लिए महत्वपूर्ण। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। शिक्षा मित्रों के अंदर काफ़ी कहा जाए कि काफ़ी कंफ्यूजन की स्थितियां थी कि आखिर हमारे भविष्य निर्धारण के लिए सरकार क्या करने वाली है, क्या स्थायीकरण होगा भी या फिर नहीं। फाइनल इसके ऊपर डिसीजन आ चुका है, इसके ऊपर फाइनल तरीके से एक बयान भी प्रेषित हुआ है, उस बयान को आगे वीडियो के साथ में आप सभी को दिखाएंगे। उस वीडियो को आप देखिएगा, उसके मध्य में सारी बातें प्रॉपर तरीके से रखी गई हैं, हाल ही के अंदर क्या क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं उनके ऊपर भी वार्ताएं हैं। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें, चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। किसी भी की भी समस्या हो उसको दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। साथियों, आज अमावस्या की रात बीतने के बाद माँ दुर्गे के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी साथियों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। माँ दुर्गे हम सबकी रक्षा करें और हम सबके जीवन में जो घनघोर अंधेरा छाया है वह दूर हो और हम लोग भी स्वस्थ होकर स्वस्थ मन से अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकें, क्योंकि भीड़ में खड़ा होना आसान है लेकिन अकेले खड़े होने के लिए साहस की आवश्यकता है। आज हमारा शिक्षा मित्र अकेला है और माता की आशीर्वाद की बहुत बहुत आवश्यकता ज़रूरत है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि शिक्षा मित्रों की बात करने वाला इस समय कोई नहीं था, उस समय हमारे लोग निकल करके आए हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं। और सभी साथी किसी भी विकार से बचें, किसी भी गलतफहमी से बचें। मानदेय समग्र शिक्षा का मैंने बताया है कि प्रत्येक दशा में कल शाम तक लिमिट जारी कराने की कोशिश हमारी रहेगी, अगर किसी समस्या से रुक गया तो परसों जरूर हो जाएगा। और बेसिक के साथियों का पूरे साल का मानदेय की जो किस्त बची है वह किस्त शुक्रवार शाम तक, प्रयास हमारा रहेगा कि शुक्रवार शाम तक जारी हो जाए, अगर किसी कारण से रह जाता है तो सोमवार को प्रत्येक दशा में उसको भी जारी कराने का पूरा प्रयास करेंगे। महिला शिक्षा मित्रों के लिए जो ससुराल में स्थान का आप पूछ रहे हैं, मैंने अभी बताया आपको, शायद आपने सुना नहीं होगा कि हमने लिख करके दिया है, अब शासन का प्रस्ताव आने दीजिए, प्रस्ताव आने के बाद ही उस पर हम कुछ निर्णय लेने की दशा में होंगे। इन्हीं सूचनाओं के साथ आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्रों।